अनेक मांगों को लेकर शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच के ठाणे जिला अध्यक्ष नितिन धुले व अन्य द्वारा एक दिन के अनशन पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उपयुक्त कानून के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार यह है कि जिन स्कूलों में ये प्रवेश किए जा रहे हैं उन्हें किशोरों के प्रवेश के लिए कोई पैसा नहीं लेना पड़ता है, जबकि सरकार के पास बच्चों के लिए सभी शैक्षणिक सामग्री, ड्रेस आदि प्रदान करने के लिए ऐसा कानून है जो समय समय पर सरकार के पास है। यहाँ तक कि जब स्कूलों के स्पष्ट रूप से व्यवसायीकरण निर्दिष्ट दूसरे वर्ग को सहूलियत नहीं है, सरकार का कानून माता पिता और बच्चों के साथ इस व्यवसायिक शिक्षा प्रतिष्ठान को पारित कर रहा है ताकि वे अपने फैसले को कठोर बना सके। इस स्कूल सरकार के मूलभूत अधिकार पर अमल कर शासन के निर्णय अनुसार करें, इस मांग के लिए शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रही है। सरकार के फैसले के अनुसार स्कूलों को सरकार के मूलभूत अधिकारों को लागू करना चाहिए। बच्चों के पास शैक्षणिक सामग्री नहीं थी, ड्रेस नहीं था, इसलिए बच्चों ने चड्ढी बनियान मोर्चा निकाला था। कल्याण मनपा के स्कूलों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर ये सामग्री बच्चों को नहीं मिली तो स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसा मनपा उपयुक्त मिलिंद घाट ने पत्र स्कूल में भेजा था। इस बात को 7 दिन बीत गए, स्थिति अभी भी वही है। आज का दिन प्रतीकात्मक अनशन सरकार के लिए बुरा है। अब भले ही बच्चों को इस तरह से परेशान किया जाता रहे, अगर सभी स्कूल बच्चों को शैक्षणिक सामग्री प्रदान नहीं करते तो आने वाले दिनों में ड्रेस, अलग कक्षाएं, फीस आदि नहीं दे। शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच में एक जिला स्तरीय लड़ाई सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसमें अगले आंदोलन की दिशा निर्धारित की जाएगी। पूरे जिले में एक बड़ा संघर्ष खड़ा किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। क्या कहना चाहो सर, आज उपोषण बैठे आप? ये उपोषण है, ये शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच की तरफ से किया जा रहा है। आरटी अंतर्गत जो स्कूलों में बच्चों का दाखिला हो रहा है, उन बच्चों को शैक्षणिक जो साहित्य है, स्टेशनरी मटेरियल है, यूनिफॉर्म्स है, वो नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ वो बच्चों के खिलाफ ये भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। उनके खिलाफ 7 दिन पहले यहाँ पे चड्ढी मोर्चा निकाला गया था, उसमें बच्चे शरीक हुए थे और उसके बाद 48 आवर्स का अल्टीमेटम जो यहाँ के उपायुक्त है उन्होंने स्कूल को दिया था। अल्टीमेटम का मतलब ये था कि अगर आप उसको मानेंगे नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द करेंगे। आज की तारीख में वो स्कूलों ने कुछ भी नहीं किया, ना केंद्रीय स्कूल, ना ट्री हाउस स्कूल, किसी भी तरीके से स्कूल बच्चों लोग को स्टेशनरी देने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे जो मुंबई में विद्या निकेतन स्कूल है वो बोल रही है कि पैसा दो तभी हम अंदर देंगे। इतने बड़ी तादाद में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन स्कूलों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होना चाहिए, इन स्कूलों के ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए। यही मांग के लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि इन स्कूलों के ऊपर FIR दर्ज करो और जो बच्चे लोग हैं उनको एजुकेशनल मटेरियल है या यूनिफॉर्म्स है वो सब दे दो। ऐसा इसलिए हम लोग शिक्षण आरोग्य अधिकार मंत्री की तरफ से यहाँ पे हम लोग गए। कितने लोग हैं कुछ? अभी फिलहाल तो 50 लोग हैं और लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, करीबन 150-200 लोग इसमें शामिल हो जाएंगे।